हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, मैं आज आपको देने जा रहा हूं टाटा टियागो XZ प्लस का एक डिटेल रिव्यू। और इसमें जो चेंज किया गया है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो मैं वो भी आज आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार की इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है। और इस कार में अभी जो दिसंबर के महीने है इसमें क्या डिस्काउंट चल रहा है और आपको ऑन रोड इसकी क्या प्राइस पड़ने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। और इसमें आप फ्रंट की व्यू देखें तो फ्रंट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप बात करें हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉग लैंप्स, और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाता है। और ये देखिए, इसका की है, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और फॉलो मी बटन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस ढंग से। और यहाँ पे मैं आपको इसका साइड का लुक दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, इस प्रकार से इसकी साइड की लुक है। और यहाँ पे आपको ORBM में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और बॉडी कलर के आपको ORBM मिलते हैं। और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल जाता है इस मॉडल में। और यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पे आपको बॉडी साइड ग्लाइडिंग भी दी गई है जो कि ट्रैफिक में आपको छोटे मोटे स्क्रेच से बचाती है। और डोर हैंडल की बात करें तो वो भी आपको बॉडी कलर में ही मिलती है। और यहाँ पे साइड की लुक पे भी किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं की गई है। और यहाँ पे आप टेल लैंप की बात करें तो टेल लैंप इस ढंग से आपको मिलता है। और रियर की बात करें तो यहाँ आपको सेंसर दिए जाते हैं जो कि 4 हैं इसमें। और यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉइलर, रियर वाइपर, और ऊपर में मिल जाता है आपको हाई स्टॉप लैम्प। और यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसका बूट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार का बूट है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बूट स्पेस की बात करें तो आपको 242 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है अच्छी दी गई है, टूल किट के लिए यहाँ पे अलग से जगह दिया गया है। देखिए, यहाँ पे आप आराम से टूल किट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप नीचे की ओर देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलती है जो कि स्टील व्हील में मिलती है। तो इस प्रकार से इस कार का ओवरव्यू है। और यहाँ पे इस कार के इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इस कार में रिवोल्ट प्रोन की 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर इंजन, और ये BS4 में आपको मिलती है। और इसके मैक्स पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 85 PS की पावर मिलती है। और यहाँ पे आपको इसके टॉर्क की बात करें तो आपको 114 Nm का टॉर्क मिलता है 3500 RPM पे। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इस कार के अंदर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है वो किस ढंग का है। तो यहाँ पे आप देखिए डोर पे, तो डोर पे वही आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं जो कि आपको पुराने XZ प्लस में भी मिलते हैं, और टिगोर वगैरह में भी यही आपको पावर विंडो मिलते हैं। यहाँ पे डोर ओपनर भी सेम वही दिया गया है। किसी भी तरह की और कोई चेंजेज इस कार में नहीं की गई है। यहाँ पर भी आप देखें यहाँ के स्पेस को, तो यहाँ पे आपको 1/2 लीटर की बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर मिलती है। और आप यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे देखें तो यहाँ पर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि पुराने वाले में भी आपको मिलते हैं। तो आइए इसके अंदर आते हैं। और सबसे बड़ी जो बदलाव इस कार में की गई है वो है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है इसका न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि इस ढंग की है। देखिए, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फुली डिजिटल अब हो गई है इसमें, और काफ़ी बढ़िया ये देखने में लग रहा है। और कार को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील भी होगी पहले के मुकाबले। तो ये चीज़ जो है ये टाटा की तरफ से की गई है जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्रोम फिनिश दिया गया है, और अंदर में भी आपको क्रोम फिनिश मिलता है। और यहाँ पे आपको 2 बटन भी मिलते हैं, इससे आप इसमें आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए, ट्रिप वगैरह इस प्रकार से, जो कि काफ़ी अच्छा अब ये लग रहा है। इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने से ये जो कार की प्रीमियमनेस है ये थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अगर आप टाटा टियागो लेने की सोच रहे हैं, वो भी टॉप मॉडल, तो आप जरूर इस मॉडल को आप ले सकते हैं यहाँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर भी आपको आराम से 7 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। यही टच स्क्रीन आपको मिलती है टिगोर में भी। और यहाँ पर आपको पार्किंग कैमरा नहीं दिया जाता है। मैं आपको बैक गियर लगा कर दिखा
दिखाता हूँ रिवर्स गियर लगाकर। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 4 सेंसर मिलते हैं आपको इस मॉडल में, पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। और बाकी यहाँ पे आप देखें तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक मिलती है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एसी के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। और यहाँ पे आप इको मोड और सिटी मोड यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए इको। और जब भी आप इको मोड यहाँ पे दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देती है इको, देखिए यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ जो है आपको वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस प्रकार से पहले के मुकाबले अब जो इस कार में है वही फिनिश आपको मिलती है क्रोम इंसर्ट एसी वेंट्स के बगल में। उसके बाद यहाँ की फिनिश जो है वही मिलती है, प्लास्टिक क्वालिटी आपको वही मिलती है। और IRBM की बात करें तो वही डे एंड नाइट IRBM आपको मिल जाती है। और को ड्राइवर साइड आपको मिलती है वैनिटी मिरर, और ड्राइवर साइड किसी भी तरह की आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पे। तो यह है, अब पीछे की सीट के कंफर्ट की बात करें तो चलिए एक बार पीछे की सीट पर भी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ चेंज किया गया है या नहीं। तो देखिए रियर की सीट पे भी यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पे डोर ओपनर पर आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश। तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पीछे भी आपको किसी भी तरह की हैंडरेस्ट वगैरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है, और हेडरेस्ट भी यहाँ पे फिक्स है। तो पीछे तो किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और इस कार में आपको पुरानी जो टाटा टियागो थी वही चीज़ सब कुछ मिलती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की बदलाव की गई है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। और मैं अब इस कार की प्राइस की बात करना चाहूँगा तो इस कार की जो है एक शोरूम प्राइस की अगर हम बात करें तो एक शोरूम प्राइस यहाँ पर आपको इस कार की जो है वो है 589,993 रुपये। और ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ऑन रोड प्राइस में रामगढ़ रांची और बोकारो हजारीबाग की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाती है 6,59,443 रुपये। लेकिन यहां पे अभी क्योंकि ये दिसंबर का महीना तो यहाँ पे आपको 20,000 का कैश डिस्काउंट मिल जाता है। तो 20,000 कैश डिस्काउंट अगर आप कर दें तो आपको 6,40,000 रुपये ऑन रोड ये कार पड़ेगी, और कॉरपोरेट डिस्काउंट भी आपको लगभग 2,000 से 3,000 रुपये की है। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस टाटा टियागो XZ प्लस की जो कि न्यू आई हुई है तो इसके ऑन रोड प्राइस आपको 6,40,000 रुपये पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस कार को लेना चाह रहे होंगे और अगर आप जानना चाहते होंगे कि पुराने टियागो के मुकाबले जो है इसमें कौन कौन से चीज़ों में चेंजेज किए गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज किया गया है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।